जॉइनिंग मी राइट नाउ इज हार्दिक पटेल हु डिड कास्ट हिज वोट हिमसेल्फ। आप सबसे युवा प्रत्याशी तो हैं, अभी आप वोट भी करके आए हैं, लोगों से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप उनसे भी वोट करने के लिए कह रहे हैं? विराम गांधी विकास के मॉडल पे, हाँ, सलामती और शांति के नाम पे, निश्चित रूप से इसी पे तो लोग वोट कर रहे हैं। इससे पहले लेकिन यहीं पर 2017 की बात करें, तब आपकी उम्र 25 से कम थी, आप चुनाव तो नहीं लड़ पाए, उस समय जो मुद्दे थे वो मुद्दे अब हैं या नहीं है, कितना बदलाव आया है उन मुद्दों को लेकर? जब आप इसी सरकार के खिलाफ कई जगहों पे हमने देखा कि प्रदर्शन हुए थे, क्या कुछ बदला है इन 5 साल? नहीं बदला ना, 10 साल से कांग्रेस के नेताओं ने इस असेंबली सीट पे कुछ बदलने का प्रयास ही नहीं किया, इसीलिए तो हम कहते कि इनको बदला जाए। सरकार भाजपा की है और भाजपा काम करना चाहती है, यहाँ के विधायक कुछ काम करवाना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस दुखी दुख के नाम पे वोट लेना चाहती है, बीजेपी सुख और समृद्धि के नाम पे वोट लेना मांगती है। लेकिन जैसे आपने भी कहा, 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार है, पिछली बार तो आप लोगों की जो पाटीदार एजिटेशन थी उसे भी एक वजह मानी जा रही है, तो इस बार क्यों आपको लग रहा है कि बदलाव होगा? आप खुद उतरे हैं, कुछ महीने पहले तक आप भी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि जो 10 साल तक कांग्रेस का के पक्ष में यहाँ पर लोगों ने वोट दिया, इस बार बदलाव? लोगों को लगता है कि कांग्रेस कुछ काम करना ही नहीं चाहती, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने का काम करती है, विकास पर उनका कोई विजन नहीं है, तो लोग क्यों वोट डालेंगे? इसीलिए इस बार लोगों का उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट डाला जाए, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय यहाँ निश्चित है। सर, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर्स आए हैं आपके ही चुनाव क्षेत्र में आपके खिलाफ, और सवाल उठाया जा रहा है कि जिन मुद्दों के साथ आपने शुरुआत की थी, आपने पूरे एजिटेशन की, उन मुद्दों को भूल गए, ऐसी चीज़ें भी पोस्टर पर लिखा गया। मैं कई बार यही चिंतित हो जाता हूँ कि कई पत्रकारों को वो सिस्टम समझ नहीं होती, और कई बार कुछ आ जाता है तो सवाल कर देते हैं, एजिटेशन के कारण ही 10% रिजर्वेशन लागू हुआ, वो आपको आइडिया होना चाहिए, तो बाद में कौन सा आंदोलन? लेकिन पोस्टर्स तो लग रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है ना, विरोध करने का सबको अधिकार है, और नहीं सोशल मीडिया में एनडीटीवी के खिलाफ भी नहीं लिखा जाता तो फिर? अच्छा, अब यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा करीब वोटर्स हैं, क्या आप देख रहे हैं, एक तो आपके सीट की बात कर लें और बाद में गुजरात चुनाव की बात करें, क्योंकि पहले फेज में भी वोटिंग कम हुई है, पहले फेज में भी वोटिंग कम हुई है? नहीं, हमारा वोट तो हो गया है, अब हाँ। कांग्रेस और उन लोगों का वोट नहीं हुआ, उसमें हमारी क्या दिक्कत? अच्छा, त्रिकोणीय इसे एक आप चुनाव मानते हैं या नहीं मानते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो का क्लियर है, वो दो पार्टी आपस में लड़ रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आखिरी सवाल, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कितनी सीट्स आपको लग रहा है, आपका तो आपने बता दिया, ओवरऑल गुजरात में बीजेपी के लिए कितने? 150 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनेगी, इसलिए बनेगी क्योंकि दूसरी पार्टी विपक्ष में भी अपनी भूमिका सही तरीके से अदा नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका मजबूती से अदा की है, तो निश्चित रूप से हमारी जो भूमिका है उस भूमिका पर लोगों को भरोसा बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी पर ही वोट डालेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। एज वी हर्ड हार्दिक पटेल स्पीकिंग टू एनडीटीवी आफ्टर कास्टिंग हिज वोट, ही हिमसेल्फ इज कंटेस्टिंग इन विरमगाम, ही क्लेम्स दैट देयर हैज बीन नो डेवलपमेंट हैपनिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स when Congress has been winning the seat and now people will be voting here for development. In Viramgam with camera person Rajendra Dayalkar, Sohit Mishra, NDTV.